नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज़ पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में हमारा विशेष कार्यक्रम ताकत वतन की हमसे है। आइए हम आपको भारतीय सेना के आधुनिक और जाबाज हथियारों के बारे में बताते हैं। वे हथियार जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सरहद को कोई छू नहीं सकता, वे हथियार जिसके नाम से ही दुश्मन कांपता है। जब दुश्मन के इलाके में ऐसे हथियार घुसते हैं तो प्रलय आ जाता है। भारतीय जल सेना हो, वायु सेना या फिर दुनिया की सबसे जाबाज टुकड़ी थल सेना, इन सभी के पास ऐसे हथियार हैं, ऐसे मिसाइल हैं, ऐसे आयुध हैं कि जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगता है। आज स्वतंत्रता दिवस पर मृदुभाषी न्यूज आपको दिखाएगा देश की ताकत। शुरुआत करते हैं राफेल से, जो हाल ही में हिंदुस्तान की सरजमी पर उतरा है। राफेल विमान फ्रांस की विमान कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। राफेल एक बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान है। इसके एक विमान को बनाने में 70 मिलियन की लागत लगती है। इस विमान की लंबाई 15.27 मीटर होती है और इसमें एक या दो पायलट ही बैठ सकते हैं। इस विमान की खासियत है कि यह ऊँचे इलाकों में भी लड़ने में माहिर है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है या अधिकतम 24,500 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ने में सक्षम है। इसकी अधिकतर रफ्तार 2,200 से 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3,700 किलोमीटर है। इंफ्रारेड और ट्रैकिंग सिस्टम से लैस इस विमान में MBDA, MICA, MBDA मेट्योर और MBDA अपाचे जैसी कई खतरनाक मिसाइलें और गन लगी होती हैं, जो पल भर में दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती हैं। इसमें लगी 1.30 mm की एक गन एक बार में 125 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। इसमें लगी मेट्योर मिसाइल 100 किलोमीटर दूर उड़ रहे फाइटर जेट को भी पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इस तरह का मिसाइल चीन, पाकिस्तान समेत पूरे एशिया में किसी के पास नहीं है। MiG-21 यह वही जाबाज फाइटर जेट है जिसने पाकिस्तान के खतरनाक F-16 फाइटर प्लेन के परखच्चे उड़ा दिए थे। यह फाइटर प्लेन लगभग 5 दशक से इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहा है। सेना लगभग 800 MiG-21 का इस्तेमाल कर चुकी है। एयरफोर्स में अब भी लगभग 100 MiG-21 सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2006 में 110 MiG-21 जेट विमानों को अपग्रेड किया गया था। इस अपग्रेडेशन में इसे मल्टी मोड रडार और बेहतर संचार प्रणाली के साथ बेहतर विमान बनाया गया था। इसकी मारक क्षमता 1,470 किलोमीटर है। इस अपग्रेडेशन के साथ इसकी मारक क्षमता भी पहले से अधिक हो गई है। इसके साथ ही विमान में R-73 आर्चर शॉर्ट रेंज और R-77 मीडियम रेंज एंटी क्राफ्ट मिसाइलों को लगाया गया है। इसकी हवा से हवा में मारक क्षमता प्रभावशाली तरीके से सुधर गई है। सुखोई, रूसी सुखोई SU-30 MKI भारतीय विमान वायुसेना में सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। भारतीय वायुसेना के पास 272 सक्रिय सुखोई विमान हैं। इस एयरक्राफ्ट में 2 इंजन हैं और 2 चालकों के बैठने की जगह है और इनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से लॉन्च किया गया है। सुखोई विमान 3000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है, जबकि इसकी क्रूज रेंज 3200 किलोमीटर तक है और कॉम्बैट रेडियम 1500 किलोमीटर है। वजन में भी भारी होने के बावजूद यह लड़ाकू विमान अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है। यह विमान आकाश में 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भर सकता है। ये तो थी हमारी जाबाज फाइटर जेट की छोटी सी झलक। आपको बताते हैं भारतीय सेना के अचूक मिसाइल्स के बारे में, जिसके निशाने पर दुश्मन के ठिकाने 24 घंटे होते हैं। दुश्मन को डराने के लिए जिनका केवल नाम ही काफी है। देखिए एक झलक।
लॉन्चिंग पैड से आग उगलती हुई निकलने वाली ये मिसाइलें जब गरजते हुए दुश्मन के खेमे में पहुंचती हैं तो दुश्मन के नामो निशान का पता नहीं चलता। धरती हिल जाती है। कई किलोमीटर तक दुश्मन के लश्कर और हथियारों का सफाया हो जाता है। देखने में सीधी सादी और सुंदर सांचों में ढली ये मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं इसका अंदाजा सिर्फ उनके नामों से ही लगाया जा सकता है। अग्नि यह है देश की सबसे खतरनाक मिसाइल जो दुश्मन पर आग उगलते हुए दुश्मन के पूरे लश्कर को तबाह कर देती है। जैसा कि इसका नाम है अग्नि, यह वही मिसाइल है जिसके निर्माण में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी जैसे महान वैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। अग्नि वन इस मिसाइल का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 15 मीटर है। इसकी मारक क्षमता 7000 से 1200 किलोमीटर है। इस मिसाइल के संचालन अधिकतर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांडोज के पास होते हैं। अग्नि टू इस मिसाइल का वजन 18 टन है और इसकी मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं क्योंकि इसकी मारक क्षमता में चीन और पाकिस्तान के कई बड़े शहर सामने आते हैं। अग्नि थ्री इस मिसाइल का वजन 48 टन है और इसकी लंबाई 17 मीटर। इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। यह अपने तरह का विश्व के सबसे घातक हथियारों में से एक है। यह मिसाइल न्यूक्लियर क्षमता से भी संपन्न है। अग्नि फोर इस मिसाइल का वजन 17 टन है और इसकी लंबाई 20 मीटर है। इस मिसाइल का निर्माण अग्नि टू और अग्नि थ्री के बीच की कड़ी को पूरा करने के लिए किया गया था। आकाश मिसाइल का वजन 720 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 5.78 मीटर। जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल आकाश की तुलना अमेरिका के पेट्रियोट मिसाइल सिस्टम से की जा सकती है। एक समय में यह मिसाइल 8 विभिन्न स्थानों पर निशाना लगा सकता है। धनुष मिसाइल स्वदेशी तकनीक से बनी पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का नौसैनिक संस्करण है। यह प्रक्षेपास्त्र परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 3000 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 8.4 मीटर है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। इसकी रफ्तार अमेरिका के सबसोनिक टोमाहावक क्रूज मिसाइल से 3 गुना अधिक है। आइए अब जानते हैं भारतीय नौसेना के उन फौलादी लड़ाकू पोतों के बारे में जो 24 घंटे भारतीय समुद्री सीमा की रक्षा में तैनात रहते हैं, जिसकी मौजूदगी में दुश्मन हमारी समुद्री सरहद को छू भी नहीं सकता है। ये जाबाज दिन रात समुन्दर की लहरों पर डेरा डाले रहते हैं। समुन्दर की लहरों पर पहरा देते भारतीय नौसेना के ये जाबाज पोत दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखते हैं। इसके साथ ही नौसेना के लड़ाकू विमान और हथियारों के जखीरे को समुन्दर के बीच अपने साथ लेकर चलते हैं। भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत अहम हिस्सा है। यह देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में भी भारतीय नौसेना का अहम योगदान है। वर्तमान में भारतीय नौसेना अपनी विशालकाय और एडवांस फीचर से लैस युद्धक पोतों और सबमरीन्स के बलबूते दुनिया भर में चौथे स्थान पर आती है। भारतीय नौसेना भारत की सशस्त्र सेना की समुद्री शाखा है। इसका नेतृत्व नौसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप सभी को मृदुभाषी न्यूज की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश प्रदेश की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज।
ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।